सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो कैसे यहां पर फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने एक और MIUI का ऐप है उसको बैन कर दिया है। हाँ जी, आपने सही सोचा, यहां पर मी ब्राउजर है उसको ऑफिशियली अभी इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। तो मैं आपको उसका रीज़न भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई, ये ब्राउज़र क्या करता है कि जो भी इसको यूज़ करता है उसका प्राइवेट डेटा है उसको अपने सर्वर पर अपलोड करता है और दूसरी गवर्नमेंट यानी कि चाइना की गवर्नमेंट है या फिर दूसरी कोई भी साइट है उसके साथ इसको शेयर करता है। इस वजह से यहाँ पर इस ब्राउज़र को बैन कर दिया गया है। तो अभी मैं आपको आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन पर ये प्री इंस्टॉल आता है। इसको आप ना तो डिसेबल कर सकते हैं ना तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ स्मार्टफोन पर इसको डिसेबल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आप आसानी से उसको डिसेबल कर सकते हैं, पर ग्लोबल फ़ोन या तो फिर आपके पास इंडियन स्मार्टफोन है Xiaomi का तो उस पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको यहाँ पर अबाउट फोन में क्लिक करना है। अबाउट फोन में आपको यहाँ पर आना है ऑल स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पर MIUI का जो वर्जन है उस पर आपको टैप करना है और आपको पीछे बैक पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका होगा, तो यहाँ पर आके आपको OEM अनलॉकिंग को और यहाँ पर आपको USB डीबगिंग है उसको इनेबल कर देना है। तो मैंने इसको पहले से इनेबल करके रखा है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसको स्विच ऑफ वगैरह नहीं करना है। आपको बस यहाँ से अपने कंप्यूटर के साथ आपका फ़ोन है उसको कनेक्ट कर लेना है और बस ऐसा ही छोड़ देना है आपने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, मी ब्राउज़र अभी मेरे फ़ोन पर इंस्टॉल है। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर पर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये एक टूल बॉक्स है जिसकी मदद से आप अपने कोई भी स्मार्टफोन है उसका कोई भी ऐप है, सिस्टम ऐप है, उसको निकाल सकते हैं। उससे पहले गाइस अगर आपके कंप्यूटर पर ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले तो आपको यहां से इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको दूसरी बार इंस्टॉल नहीं करूँगा, पर चलते हैं हम इसकी तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है। मैंने इसको पहले से कर लिया है, यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं ये अभी ओपन हो चुका है। अगर ये अपने आप ही ओपन नहीं होता है तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर एक शॉर्टकट मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो चलिए हम इसका जो अपना फ़ोन है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चेक का एक बटन मिल जाता है, जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका फ़ोन को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर APK अनइंस्टॉल का ऑप्शन एक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको यहां पर मी ब्राउजर को सर्च करना है। सो गाइस यहां पर देख सकते हैं कि भाई अभी हमें ब्राउजर मिल चुका है। इसका जो पैकेज नेम है वो com.mi.global ब्राउजर है। तो इसको आपने यहां पर चेक कर लेना है यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां से आपको अनइंस्टॉल सिलेक्ट एप्स कर देना है। इससे क्या होगा कि भाई एक विंडो आपके सामने ओपन होगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई अभी ब्राउजर ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन से गायब हो चुका है। इसको आप अपने कोई भी Xiaomi स्मार्टफोन पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये विथआउट रूट और अगर आपका बूटलोडर अनलॉक नहीं है तो भी ये वर्क करता है। तो यहाँ पर गाइस आपको विंडो को कर देना है क्लोज। अभी हम चलते हैं वापस से फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि भाई ब्राउजर अभी हमारे फ़ोन से गायब हो चुका है। इसका मतलब कि भाई कम्प्लीटली यहाँ से ये अनइंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने कोई भी Xiaomi स्मार्टफोन से मी ब्राउजर जो कि इंडिया के अंदर बैन हो चुका है उसको अनइंस्टॉल कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपके कोई भी सवाल वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक नए वीडियो में।